देखिए, उद्देश्य है कि सरकार जनता के द्वारा जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, जो गांव के लोग उसका लाभ नहीं ले पाते हैं, इस नाते गांव में पंचायत सचिवालय बनाकर, गांव में पंचायत सहायक की नियुक्ति, पंचायत सहायक और पंचायत सचिवालय के माध्यम से उनको उसी गांव में ही, बाहर उनको जाना नहीं है, सारी योजनाएं जो केंद्र और प्रदेश सरकार की चल रही हैं, उसका लाभ लेने के लिए अगर उनको जाति आय प्रमाण पत्र चाहिए, खसरा खतौनी चाहिए, मृत्यु और प्रमाण पत्र चाहिए, परिवार रजिस्टर की नकल चाहिए, सारी 244 योजनाएं गांव में ही हम वहीं उपलब्ध कराने के लिए हम तैयारी में हैं। किसी भी तरह जो भी विधवा पेंशन के पात्र लोग छूट गए हैं, जो किसान पेंशन के लोग छूट गए हैं, जो वृद्धा पेंशन है, तो ये जो छूटे हुए लोग हैं उनका भी वही फार्म आवेदन हम ऑनलाइन वही करा रहे हैं पंचायत सचिवालय में, पंचायत सहायक के माध्यम से। इसमें क्या क्या कमियां आ रही हैं उस पर यहाँ चर्चा करके, लोगों की राय लेकर के, और उसमें सुधार कैसे हो ताकि वो बेहतर जीवन जी सके। मंत्री, जो विधायक क्या मसला था, क्या? देखिए, कोई मसला नहीं था, मसला सिर्फ मंच का था और कोई मसला नहीं था। अब चूंकि जिस तरह का आयोजन था, जब निमंत्रण जितने दिए गए थे, उस निमंत्रण में संख्या विधायकों की लगभग 35 के पार आ रही थी, MLC, राज्यसभा विधायक सब मिला के, तो मंच थोड़ा छोटा था। तो ये हुआ कि नीचे ही सोफा लगा करके विधायकों की बैठने की व्यवस्था की जाए। तो अब उसी में उनको, विधायकों को लगता है कि भाई मंच पे अब महिलाएं, कोई विधायक आई तो उनको मंच पे बुला लिया। भाई, आधी आबादी महिलाओं की है, 33% रिजर्वेशन है, इस पे भी हमको आपको सोचना चाहिए कि अगर बुला ही लिया गया तो इसमें कौन से अपमान और सम्मान की बात आती है। उपचुनाव में क्या होने जा रहा है? देखिए, जनता मालिक है, हम लोग अपनी बात, अपने विकास की जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो योजनाएं जनता तक पहुंचनी चाहिए उन योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं। और जनता भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, विपक्ष भी जानता है कि बाई इलेक्शन सत्ता पक्ष का ज्यादा सीटें जीतता है। जनता इस नाते जिताती है कि वो जानती है कि विपक्ष जीतेगा तो यही कहेगा कि हमारी सरकार नहीं है तो हम क्या काम करें। तो और विपक्ष भी ये जानता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। तो ये यूं कह लीजिए कि ग्रामीण, गांव की भाषा, हम गांव के रहने वाले, तो गांव की भाषा में जो उपचुनाव होता है, ये दुधारू गाय और ठाठ गाय के बीच में होता है। जो दुधारू गाय सरकार होती है, सरकार विकास के दूध दे सकती है, जो विपक्ष में है वो ठाठ गाय है, वो दूध नहीं दे सकते। इस नाते ज्यादा से ज्यादा सीटें सत्ता पक्ष जीता करता है। आज 6 राज्य जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, नागालैंड और उत्तराखंड, इन राज्यों के निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि, जिसमें प्रधान, BDC, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और जहाँ जो नाम है अन्य राज्यों में, और राज्यों के अधिकारी और केंद्र के अधिकारी, भारत सरकार के सचिव और उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज के कैबिनेट मंत्री जो ओम प्रकाश राजभर, इनके डायरेक्टर, इनके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, इनके सेक्रेटरी, एडिशनल डायरेक्टर और हमारे सेक्रेटरी, सब लोग यहाँ पर ईज ऑफ लिविंग पर पंचायत सम्मेलन हो रहा है, माने जीवन कैसे आसान किया जाए और पंचायत स्तर पर सर्विस डिलीवरी क्या क्या कर सकते हैं, तो गांव के लोगों को बहुत परेशान ना होना पड़े। तो जनसेवा केंद्र, जन सुविधा केंद्र पंचायत पर अपना एक पंचायत सहायक है जिसको कंप्यूटर दिया गया है, तो वहाँ विधवा पेंशन, मैंने उदाहरण दिए, का फॉर्म भर जाए, विकलांग पेंशन का, वृद्धावस्था पेंशन का, जात प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आधार कार्ड का संशोधन भी बहुत, मेरा नाम सत्यपाल सिंह है लेकिन सतपाल लग गया तो मुझे कोई सुविधा नहीं मिलेगी, खसरा खतौनी घरौनी, और खासतौर से अभी प्रधानमंत्री जी ने 70 साल का जो रिसेंटली किया है, 70 साल की आबादी के आयुष्मान कार्ड, ये सब चीजें अगर बन जाएंगी तो उनके जीवन की दुश्वारियां समाप्त हो जाएंगी। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का, उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री राजभर जी का और उनके एडिशनल CS नरेंद्र भूषण जी का मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि पूरी टीम के साथ उन्होंने यहाँ पर आए हैं और कार्यक्रम को सफल बनाया है। और आज के इस वैचारिक मंथन से अभी ओपन सेशन रहेगा जिसमें हर राज्य के हर स्तर के पंचायत प्रतिनिधि अपनी बात कहेंगे, जिनको मैंने ज्यादा कह दिया है कि आप
बंद कमरा खुली बात करिएगा, आपको क्या दुश्वारियां आपके डीपीआरओ से, पीडी से, बीडीओ से, एडीओ से आ रही है, और डीपीआरओ को राज्य के डायरेक्टर से क्या आ रही है, और राज्य को केंद्र से क्या परेशानी हो रही है, तो हम बैठकर एक जैसे सिंगल विंडो सिस्टम कहते हैं तो लोगों तक आसानी, तो आज हम किसी न किसी निर्णय पर निकलेंगे और अपने जो गाइडलाइंस है उसमें कुछ छोटे मोटे संशोधन भी कर सकते हैं जिससे पंचायत सुदृढ़ हो सके और डेमोक्रेसी मजबूत हो सके। महाराष्ट्र में और झारखंड में क्या होने जा रहा है? आज का तो पंचायत का दिन है और जो होने जा रहा है वो हो रहा होगा, इस समय डिब्बे में बंद हो रहा होगा और नई नई कितने बाल वो 23 या 24 तारीख को पता चल जाएंगे। लेकिन मैं महाराष्ट्र का दौरा किया हूँ, झारखंड का नहीं किया। आप में से कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश की सरकार के लिए तैयार नहीं था 6 महीने पहले कि बन रही है? आप में से कोई भी राजस्थान के लिए नहीं हाँ कर रहे थे, ना कोई छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे थे, ना उड़ीसा का? और रिसेंटली जो हरियाणा का चुनाव हुआ उसमें तो आप सब फेल हुए हैं और हमारे विकास कार्य कल्याणकारी योजनाएं पास हुई हैं। तो ये 4 राज्यों में पूर्वानुमान अलग थे और बहुमत के साथ बनी है। मैं उम्मीद करता हूँ झारखंड और महाराष्ट्र में बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे।